नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी कुणाल भाई की क्लास में। आज का टॉपिक है इंग्लिश। दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ वीडियो देखने का। पहले मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूस, अब दोनों को समझ आया या नहीं? मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमको क्या देखना है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं उनमें ई और ई एस का प्रयोग करते हैं। टेंशन नहीं लेगा, सिर्फ समझने का। सुबह उठेगा रे बाबा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। करना क्या है, कुणाल जाता है। पहला एग्जांपल ले लेते हैं, कुणाल गोस। बहुत छोटा है कुणाल गोस, ऐसे ही इसका प्रयोग किया गो में। दूसरा ले लेते हैं, कुणाल नहीं जाता है। इसमें क्या है बाबा, नहीं कुणाल डज नॉट गो। डज नॉट, ये समझने का है कि डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करते हैं। समझ गया ना बच्चे लोगों, आपको कुछ टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ वीडियो देखने का। इसमें दो मैंने आपको बताया, मैं आपको पुरानी वीडियो का आपको दोबारा बताने का। तीसरा पॉइंट इसी में लेता है, क्या कुणाल जाता है, क्या पहले आ गया तो डज कुणाल गो। बहुत सिंपल है। अब मैं इसका आगे का समझाता हूं आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद का। प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब होता है कार्य चल रहा है, मतलब अपन खाना खा रहा है, अपन जा रहा है, समझ रहे हो ना। तो कुणाल घर जा रहा है, इसका पहचान ये है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहे हो, जिनमें रहा रही आता है सिर्फ वो देखना है। उसमें करना क्या है, इज एम आर, इसका प्रयोग करना है साथ ही साथ, समझने का ना, साथ ही साथ आई एन जी का भी प्रयोग करना है रे बाबा। तो पहला होता है कुणाल इज, क्या गो, क्या लगा रहा है आई एन जी, भूलने का नहीं रे, गोइंग टू, कहां पे, घर। बहुत इंग्लिश इजी है, समझने का और टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ वीडियो देखने का। इसी का अगला ले लेते हैं हम, नहीं वाला। नहीं में क्या करना है, इधर इच के साथ नॉट का प्रयोग करना है। बहुत सिंपल, अगर इसमें आता क्या तो क्या के लिए इज का प्रयोग पहले करना है। बहुत सिंपल है रे, आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो ऑन करना है, नीचे रेड कलर का बटन आएगा सब्सक्राइबर, सब्सक्राइब आपको उधर ही क्लिक करना है, डेली नोटिफिकेशन मिलेगा, सिर्फ वीडियो देखना है। ओके, धन्यवाद।